वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसीएस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 8 तक कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मोहर सर्कल के बारे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक, मोहर सर्कल ड्रॉ किए थे, कोई एलिमेंट दिया था ना, कोई एलिमेंट है हमारे पास जिसमें स्ट्रेस लग रहा है, इस साइड लग रहा है सिग्मा एक्स और इधर सिग्मा वाई है और टाउ एक्स वाई है ना, शियर स्ट्रेस। इसके लिए हम लोग मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिए थे। ठीक, और इसमें मोहर सर्कल का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए थे, जिसमें सिग्मा वन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा टू है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, तो इसके लिए हम लोग देखे थे ओसी क्या होगा। इसके लिए ओसी दैट मीन्स ओ टू सी तक का डिस्टेंस था, दिस इज द सेंटर डिस्टेंस प्लस रेडियस करूंगा तो सिग्मा वन मिलेगा मेरे को यहाँ पे। और ओसी इसमें अगर सेंटर डिस्टेंस में अगर रेडियस को माइनस करता हूं तो मेरे को मिलेगा क्या मिलेगा, दिस इज सिग्मा टू। ठीक, सिग्मा टू मिल जाएगा, उसी लिख दिया हूं मैं। ठीक, तो ओसी क्या होता है, यहां तक कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू होगा ये, प्लस माइनस रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होगा, रेडियस इज टाउ मैक्सिमम के बराबर होगा। तो ये होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किए थे सब चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं है ना। अब फिर आगे इसी में वेरिएशन देखेंगे। ठीक, ये क्या था, सिग्मा एक्स पी टेंसाइल, सिग्मा एक्स टेंसाइल है तो इसको मैंने पॉजिटिव एक्स साइड बनाया। ठीक, और सिग्मा वाई क्या है, ये भी टेंसाइल है, इसी कारण इसको भी इस साइड बनाया हूं। अगर कंप्रेसिव रहता, अगर दोनों कंप्रेसिव रहता तो ये ओरिजिन से इस साइड बनता, ओरिजिन के इस साइड बनता, लेकिन दोनों क्या है पॉजिटिव है, टेंसाइल नेचर का है तो मैं इस साइड बना दी हूं। वैसे टाउ एक्स वाई के लिए हम लोग डायरेक्शन देखे थे, अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ठीक, वर्टिकल प्लेन की बात करता हूँ तो ये क्या है टाउ एक्स वाई है ना, ये किसके साथ है, सिग्मा एक्स के साथ है टाउ एक्स वाई। तो ये कैसे घूम रहा है, ये एलिमेंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं निगेटिव लिया था, इसी कारण टाउ एक्स वाई को मैं इस साइड बनाया हूँ। ठीक, इतना टाउ एक्स वाई है, ये सिग्मा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया हूँ इसका कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स जीरो। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई है, उसके बाद सिग्मा वाई, इसको इस साइड ड्रॉ किया हूँ टाउ एक्स वाई को, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसे, ये कैसे घुमाएगा ब्लॉक को, ये कैसे घूमेगा सेंटर से, ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी कारण इसको ऊपर बनाया है। ठीक, इसका रेडियस किसके बराबर रहता है, रेडियस जो है वो क्या इंडिकेट करता है टाउ मैक्सिमम को, टाउ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ सकता है। तो सिग्मा वन और सिग्मा टू का मैं यूज करके क्या निकाला था, मैं सिग्मा वन और सिग्मा टू के फॉर्मूला को यूज करके मैं बताया था कि किसी भी प्लेन में सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अगर करता हूं तो वो इक्वल हो रहा था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के। ये क्या बता रहा था, स्ट्रेस इनवेरिएंट। ठीक, स्ट्रेस इनवेरिएंट बोलते हैं, मतलब स्ट्रेस जैसे ये कोई ये दो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, तो इस पे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस देखा तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों का प्लस किया, मान के चलिए एक 60 है और एक 40 है, तो क्या हुआ 60 प्लस 40 100 आया। वैसे ही अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू कैलकुलेट किया तो एक मान के चलिए 70 आया तो ये क्या होगा 30 होगा, 70 प्लस 30 100, किसी भी प्लेन पे लूंगा मैं है ना, तो जो स्ट्रेस आएगा दो परपेंडिकुलर प्लेन में जो स्ट्रेसेस आएंगे उन दोनों का सम करूंगा तो हमेशा क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा, ये कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट, स्ट्रेस इनवेरिएंट बोलते हैं ना। पहला ये चीज निकला था, सेकंड मैं यूज किया था, फिर इसी को यूज किया था। ठीक, एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया था, सिग्मा वन और सिग्मा टू एक बार दोनों को प्लस किया था तो जो फॉर्मूला है उसको एड किया था तो ये मिला था, और दोनों को अगर माइनस करता था तो क्या मिल रहा था, मेरे को मिल रहा था टाउ मैक्सिमम की वैल्यू मिल रहा था, क्या मिला था सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ठीक, दैट मीन्स ये क्या है सिग्मा वन यहां तक ओ से इस पॉइंट तक इस सर्कल के एंड तक, ठीक, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो यहां पे सिग्मा वन है और ये क्या है सिग्मा टू था, तो सिग्मा वन में मैं अगर सिग्मा टू को माइनस कर देता हूँ इतना तो कितना बचेगा, इतना बचेगा तो डायमीटर के बराबर है, तो टाउ मैक्सिमम क्या है टू टाइम्स रेडियस होगा, टू टाइम्स, एक रेडियस ये होगा एक रेडियस ये होगा है ना, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो रहा है, दिस इज डायमीटर के बराबर है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू
टू टाइम्स टाउ मैक्सिमम है, तो टाउ मैक्सिमम यहाँ से क्या निकल गया था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू। ठीक, कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस दिया है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, सिग्मा वन सिग्मा टू दे दिया है और टाउ मैक्सिमम पूछेगा, डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। अब मोहर सर्कल में हम लोग क्या देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन क्या होगा। ठीक, और क्या था, एक चीज और था, जैसे मेरे किसी भी ये सर्कल जो है इसका हर एक पॉइंट किसको बताता है, प्लेन को इंडिकेट करता है, हर एक पॉइंट जो है वो क्या है, प्लेन को बताता है, और उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और सियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है उसको बताता है, हर एक पॉइंट जो है ना। मोहर सर्कल का जो सर्कल है, सर्कमफेरेंस जो है, ये क्या इंडिकेट करता है बोलेगा, तो ये इंडिकेट करता है, प्लेन को बताता है। ठीक, जैसे ये इसमें बहुत सारा प्लेन हो सकता है ना, ये इस तरीके से इधर इधर। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन को बताता है कि, ठीक, और हर एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और सियर स्ट्रेस कितना होगा उसको इंडिकेट करता है। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद इसी में वेरिएशन देखते हैं हम लोग, मोहर सर्कल में वेरिएशन। ठीक, इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना और कॉपी में अच्छे से बना लेना इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका वेरिएशन, देखते हैं कैसे वेरिएशन। जैसे ये सिग्मा एक्स इस साइड लग रहा है, सिग्मा वाई इधर लग रहा है, अगर सिग्मा एक्स इस साइड लग रहा है, टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव होगा तो कैसे होगा। ठीक, ये सब वेरिएशन देखते हैं इसमें। देख लिए थे, फर्स्ट वही था जो मैं बनाया था। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड किस टाइप से हो सकता है, जिसे एक स्ट्रेस एलिमेंट दिया है मेरे को, इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है इस साइड, सिग्मा वाई का नेचर कंप्रेसिव है मान के चलिए, सिग्मा वाई। ठीक, और टाउ एक्स वाई जो है इस तरीके से है, है ना, इधर भी सेम आएगा, सेम बना लेना। ठीक, इसके लिए मोहर सर्कल अगर ड्रॉ करता हूँ मैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ मैं सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। ठीक, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस डायरेक्ट सिग्मा एक्स कैसे जाएगा, टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव साइड बनेगा, टेंसाइल है तो इस साइड मान के चलिए यहाँ पे आया सिग्मा एक्स। ठीक, सिग्मा एक्स हो गया, टाउ एक्स वाई इसी प्लेन पे देखते हैं, वर्टिकल प्लेन पे जहां पे सिग्मा एक्स लगा है उसी में, तो ये कैसे है, कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये नीचे साइड बनेगा, दिस इज टाउ एक्स वाई। ठीक, उसके बाद मैं सिग्मा वाई को ड्रॉ करूंगा, सिग्मा वाई निगेटिव आएगा क्योंकि ये कंप्रेसिव है तो इस साइड आएगा ओरिजिन से। ठीक, तो ये मान के चलिए इससे छोटा है तो ये यहां तक आया। ठीक, तो ये क्या हो गया सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई हुआ। टाउ एक्स वाई कैसे होगा, ये कैसे घुमा रहे हैं इसको देखना है ये वाले को। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहे, ऊपर की ओर बनेगा, सेम डिस्टेंस है दोनों का, टाउ एक्स वाई है, ये टाउ एक्स वाई हो गया। ठीक, अब इसके लिए मैं सेंटर पॉइंट देखूंगा, तो सिग्मा एक्स ज्यादा है सिग्मा वाई से तो ये इधर बनेगा, है ना, पॉजिटिव साइड बनेगा। ठीक, उसके बाद इसको जोड़ देता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, इतना का रेडियस लेता हूं और मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। ठीक, तो सर्कल ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से बनेगा, है ना। ठीक, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सेम कैलकुलेट करना है कि सिग्मा वन क्या होगा, सिग्मा टू क्या होगा, टाउ मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक, ये इस टाइप से बनेगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड वेरिएशन देखते हैं। ये इस टाइप से है,
है सिग्मा एक्स, ठीक, और ये लग रहा है सिग्मा वाई कंप्रेसिव, ठीक, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक। अब इसके लिए मॉड सर्कल बनाते हैं, टाउ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है इसमें, है ना, टाउ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, तो मोहर सर्कल कैसे बनेंगे इसके लिए, सिग्मा एन और ये टाउ, ठीक, क्या है सिग्मा एक्स है इस प्लेन पे, ये सिग्मा सिग्मा एक्स यहाँ पे आया मान के चलिए, ठीक, ठीक है सिग्मा एक्स यहाँ पे आया, अब सिग्मा टाउ नहीं है इसमें, है ना, तो ये यहीं पे आएगा, टाउ जीरो है, टाउ एक्स वाई क्या है जीरो है, यही लग रहा है सीयर स्ट्रेस, तो ये इसी में आएगी, इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। और सिग्मा वाई के लिए, सिग्मा वाई क्या है कंप्रेसिव है, तो ये इस साइड बना, ठीक। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट लूंगा कहीं पे, कहीं भी यहाँ पे आया मान के चल, ठीक, इन दोनों का सेंटर पॉइंट लिया, इसमें भी टाउ एक्स वाई नहीं है, नहीं आएगा, है ना, फिर उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ मैं, एक यहाँ से इसका इतना रेडियस लिया मैं, उसके बाद ज्वाइन किया, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक, दिस इज ओ, दिस इज सेंटर पॉइंट, है ना, ए बी, ये डिस्टेंस था सिग्मा एक्स, ये था सिग्मा वाई, ठीक, ये कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, और इसके लिए अगर मेरे को क्या निकालना है, सिग्मा वन क्या होगा, तो सिग्मा वन ये सिग्मा एक्स के बराबर ही होगा, क्यों, सीयर स्ट्रेस नहीं रहता जब, तो सिग्मा वन इक्वल टू क्या रहता है सिग्मा एक्स, और सिग्मा टू इक्वल टू रहता है सिग्मा वाई, ठीक, ये चीज याद रखना, ठीक है, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा वाई हो गया। टाउ निकालना है मेरे को, टाउ इक्वल टू क्या होता है, दिस इज टाउ, टाउ निकालना है, टाउ मैक्सिमम, तो ये किस रेडियस के बराबर रहता है ना, रेडियस के, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, अभी तक क्या यूज करते थे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू यूज करते थे, ठीक है, सेम वैसी बनेगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू, ठीक है, या फिर इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्मा वाई है वो क्या है, दिस इज निगेटिव साइन के साथ रहेगा ना, यहाँ पे याद रखना, क्यों क्यों, क्योंकि वो क्या है कंप्रेसिव है, ठीक है, तो इस टाइप से हो सकता है एक वेरिएशन, फिर देखते हैं आगे, फोर्थ नंबर में ये जो है सर है सिग्मा एक्स, ये भी बराबर है सिग्मा एक्स ही है, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स, ठीक, या फिर सिग्मा लिख सकते हैं इसको, एक्स को हटा देंगे तो सब तरफ सिग्मा 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 ही लग रहा है, इसको हटा देता हूँ, चारों तरफ सिग्मा आ रहा है ना, इधर भी टेंसाइल है, इधर भी टेंसाइल है, तो इसके लिए मोहर सर्कल कैसे बनेगा, ठीक, इसको ड्रॉ करता हूं, तो ये दिस इज ओरिजिन, ये यहां तक आया मान के चल सिग्मा, ठीक, सिग्मा हो गया फर्स्ट, दिस इज ए, है ना, ओ से ए हुआ, उसके बाद सियर स्ट्रेस तो नहीं है, तो नहीं जाएगा नीचे ऊपर नहीं होगा, है ना, सियर स्ट्रेस नहीं है, ठीक, तो और इसको ड्रॉ करूंगा अगर, तो ये भी कितना है सिग्मा ही है पॉजिटिव साइड, तो यहीं पे आएगा वो पॉइंट भी, ठीक, बी पॉइंट, ठीक, इसका सेंटर सी भी यहीं पे आएगा, ठीक, और प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं किससे शो किया था, ए बी ए ए बी सी डी ई एफ से शो किया था, एफ जी, ठीक, सब पॉइंट इसी में आएगा, दैट मीन मोहर सर्कल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, पॉइंट मोहर सर्कल ये किस केस में बनेगा, इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस, इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस इन इन परपेंडिकुलर प्लेन,
कब बनेंगे, इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस इन बोथ द प्लेन, ठीक, दोनों में इक्वल लग रहा है, लाइक कहने का मतलब है सेम है नेचर, टेंसाइल है तो टेंसाइल है, इसी को अगर मैं वो करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको कंप्रेसिव कर देता मैं, है ना, सिग्मा सिग्मा इस साइड भी सिग्मा और इधर से भी सिग्मा, क्या है कंप्रेसिव हो गया, तो एक इस साइड बनता है इसके लिए या इधर बनता है, ठीक, अगर ये सिग्मा रहता तो माइनस सिग्मा, तो इस साइड बनता है ना, इस केस में अगर कंप्रेसिव रहता है टेंसाइल। अब इसमें सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ही होगा, ठीक, सिग्मा टू इक्वल टू क्या होगा, वो भी सिग्मा के बराबर ही होगा, है ना, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा हो गया, और क्या देखना है, टाउ मैक्सिमम देखना है, ठीक, तो इसका कुछ रेडियस दिख रहा है क्या, पॉइंट है मोहर सर्कल, किसी भी तरह कोई रेडियस नहीं है, तो ये जीरो आना चाहिए, तो देखते हैं सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू होता है, तो दिस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन टू इक्वल टू जीरो, ठीक, टाउ मैक्सिमम जीरो हो गया, तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रेस की वैल्यू आएगा वो सिग्मा के बराबर होगा, ठीक, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू क्या है, सिग्मा है, ये चीज याद रखना है, there are infinite number of plane where only normal stress is acting, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है यहाँ पे, जहाँ पे केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, और उस नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा के बराबर, ठीक, यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या चीज बच गया इसमें, और क्या बचा, जैसे मेरे को टेन टू थीटा पी वन निकालना है, पोजिशन देखना है ना, टेन टू थीटा पी वन, ठीक, तो क्या होता है ये 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y होता है, तो 2 tau, tau क्या है 0 है, 2 into 0, ठीक, sigma x minus sigma y, ये भी 0 के बराबर ही है, sigma minus sigma के बराबर ही है, 0 upon 0 हो गया, ठीक, अगर इसको नहीं लूँगा तो अगर 0 भी लेता हूँ मैं, तो उस केस में थीटा क्या होगा, थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है, थीटा 0 होगा 0 डिग्री पे, यहाँ से मतलब नहीं बता सकते कि प्रिंसिपल प्लेन जीरो डिग्री पे होगा, यहाँ पे बहुत सारा प्लेन है ना, बहुत सारा प्लेन होगा, इसी पॉइंट से जा रहा है इस तरीके से, ठीक, बहुत सारा प्लेन होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना है, इनफिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, और क्या केस हो सकते हैं, और क्या केस हो सकता है, और देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, प्योर सीआर का केस हो सकता है ना, प्योर सीआर का केस हो सकता है, प्योर सीआर कहने का मतलब है केवल और केवल क्या आ रहा है, सीआर स्ट्रेस बस आ रहा है, प्योर सीआर का केस दैट मींस टाउ बस आएगा, टाउ एक्स वाय बस आएगा, ठीक है, जैसे एलिमेंट है यहां पे आ रहा है टाउ एक्स वाय, ठीक, ये भी टाउ एक्स वाय हो गया, ठीक, इस साइड भी आएगा ऐसे, इसके लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करना है ना, अगर इसके लिए ड्रॉ करना है तो अगर इस केस के लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है, है ना, केवल और केवल क्या है, सीयर स्ट्रेस है टाउ, ठीक, दिस इज ओरिजिन ओ। अब मैं इस प्लेन के लिए देखता हूं, ये वर्टिकल प्लेन के लिए, तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई है, ठीक, टाउ एक्स वाई कैसे है, ये
कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब निगेटिव साइड आएगा है ना, इधर मेरे को नहीं जाना है, सिग्मा नॉर्मल दिया ही नहीं है, मैं इस साइड आऊंगा ठीक। तो मेरे को ये मिला मान के चलिए टाउ एक्स वाई ठीक, यहाँ पे मिला सियर स्ट्रेस वाले में, प्योर सियर का केस है ना। उसके बाद टाउ इसके लिए देखता हूँ ऊपर वाले के लिए है ना, ऊपर वाले के लिए नहीं सॉरी, इसके लिए इस एक्सिस के लिए देखता हूँ, ये वाला प्लेन के लिए, दिस प्लेन के लिए ठीक। तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर जाएगा यहाँ पे टाउ एक्स वाई ठीक। अब इन दोनों का यूज करके इन दोनों का सेंटर क्या होगा, यही सेंटर होगा ठीक, यही सेंटर होगा क्योंकि ये भी टाउ एक्स वाई है, ये भी टाउ एक्स वाई है, सेंटर यहीं पे आएगा। तो इतना रेडियस लेके मैं क्या करता हूँ सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो जिस तरीके से ड्रॉ होगा सर्कल ठीक ठीक से बना लेना। इस तरीके से बनेगा। तो इसके लिए सिग्मा वन और सिग्मा टू का देखता हूँ, तो सिग्मा वन क्या होगा इस साइड जो आएगा यहां से दिख रहा है हम लोग को, सिग्मा वन टाउ एक्स वाई के बराबर है ठीक। सिग्मा टू क्या होगा, सिग्मा टू क्या होगा इधर है इस साइड है ना, दिस इज माइनस टाउ एक्स वाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड है ना कंप्रेसिव साइड है, तो माइनस टाउ एक्स वाई हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेसेस बोल सकते हैं, इक्वल एंड अलाइक, अलाइक कहने का मतलब है एक टेंशन है और एक कंप्रेशन है, इक्वल एंड अलाइक स्ट्रेसेस ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेस के बराबर है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस के बराबर है, तो टाउ एक्स वाई हो गया माइनस टाउ एक्स वाई। इसको अगर मैं फॉर्मूला से निकाल के देख सकता हूँ है ना, सिग्मा वन इक्वल टू मेरे पास क्या रहता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब जीरो है, देख जितना भी किया हो ना प्रीवियस केस को भी हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते थे, वहां पे सिग्मा वन सिग्मा टू का जो फॉर्मूला यूज करते हैं ठीक, तो उसको भी निकाल सकते थे हम लोग फॉर्मूला से यूज करके। अगर आप लोग चाहोगे तो फॉर्मूला से यूज करके निकाल लेना, मैं मोहर सर्कल से बता रहा था ठीक है। मोहर सर्कल से बनाने में क्या होता है थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अब ये क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी जीरो हो जाएगा पूरा, प्लस टाउ एक्स वाई की जगह हम क्या दिया टाउ एक्स वाई ही दिया है, टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर दिए है ठीक। तो अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स वाई क्या होता है ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई ठीक। तो सिग्मा वन जो होगा वो क्या होगा प्लस टाउ एक्स वाई और सिग्मा टू जो होगा वो माइनस टाउ एक्स वाई होगा ठीक। अब पोजीशन देखते हैं टेन टू थीटा, टेन टू थीटा पी वन क्या होगा है ना, ये क्या होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है ठीक। मैं मोहर सर्कल से बताता हूँ क्या होगा, ये मेरा पॉइंट क्या था ए पॉइंट है ठीक, ये पॉइंट बी है और यहीं पे मेरा सेंटर आ रहा था सी ठीक। तो ये ए पॉइंट से, ए पॉइंट से ही मेजर करते हैं हम, कैसे मेजर करते थे हम लोग जिसे इस टाइप से सर्कल बनाया है ना, तो दिस इज ए, तो ये यहाँ से ऐसे मेजर करते थे ये वाले लाइन से ए वाले से ठीक है, ए पॉइंट है वहाँ से मेजर करते थे ठीक। तो सिग्मा वन मिलता था मेरे को तो वैसे ही मेजर करेंगे ए पॉइंट से, तो ये आएगा दिस इज टू थीटा पी वन इक्वल टू 90 डिग्री। तो एलिमेंट में देखूंगा तो वो कैसे मिलेगा मेरे को, इस एलिमेंट में अगर देखता हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे सिग्मा वन आएगा, सिग्मा वन इस साइड सिग्मा टू आएगा है ना, ये ऐसे लगेगा सिग्मा टू ठीक, सिग्मा टू सिग्मा वन ठीक। इसके बराबर है टाउ एक्स वाई के और ये है माइनस टाउ एक्स वाई ठीक। तो फिर ये एंगल जो होगा वो कितना होगा वही डिटरमाइन करना है, ये कितना होता है थीटा पी वन होता है, इसमें टू थीटा पी वन में बनाते हैं है ना 90 डिग्री है, तो थीटा पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री होगा ठीक। तो 45 डिग्री एंगल पे हम लोग क्या मिलेगा सिग्मा वन मिलेगा और सिग्मा टू कितना मिलेगा, सिग्मा टू मिलेगा मेरे को दिस इज इससे 180 डिग्री ज्यादा रहता है ना, 180 प्लस 90 कितना हो 270, तो इसमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 45 प्लस 90
45 प्लस 90 135। मैंने बताया था देखो यहाँ पे 2 थीटा में क्यों बनाते हैं करके बताया था। यहाँ पे जो एलिमेंट है दिस इज इन दोनों के बीच दो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस है ठीक। बट इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल में तो 180 डिग्री लेके बना रहा हूँ मैं ठीक। जैसे टाउ एक्स वाई मैं ए के लिए ड्रॉ किए इसके लिए, उसके बी के लिए ड्रॉ करना है तो मेरे 90 डिग्री में ड्रॉ करना था, लेकिन मैं कहाँ तक गया 180 डिग्री तक ड्रॉ कर रहा हूँ है ना। इसी कारण उसमें थीटा पी वन शो करते हैं, इसमें 2 थीटा P1 ठीक। फॉर्मूला से देखते हैं निकाल के कि 2 tan 2 θ P1 इक्वल टू क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मोहर सर्कल से, ये भी मैंने बताया था ठीक प्रीवियस लेक्चर में कैसे निकालते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मोहर सर्कल से सारी चीजें निकल जाते हैं ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 tau σx σy ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो है, ये ऊपर चले जाएगा 2 times tau xy divided by ये जीरो है तो ये क्या हो गया जीरो, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी आया। तो 10 to θ P1 इन्फिनिटी कब होता है, ये होता है 10 90 degree पे, तो थीटा पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा इज नथिंग बट 45 degree ठीक। तो थीटा पी वन 45 degree है, तो थीटा पी टू कितना होगा, तो थीटा पी टू क्या होगा प्लस ये रहता है थीटा पी टू जो रहता है 45 plus 90 135 degree होगा ठीक। थीटा पी टू कितना हो जाएगा, मतलब ये सिग्मा टू जो होगा सिग्मा टू वो कितना होगा 135 degree होगा ठीक। स्ट्रेस एलिमेंट की बात करूंगा, मोहर सर्कल की बात नहीं करूंगा। उसके बाद फिर क्या है, सीयर स्ट्रेस कितना डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, इसमें मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या आएगा टाउ एक्स वाई के बराबर ही आएगा ठीक, रेडियस के बराबर। इसको भी देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं, इसको सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होता है टाउ मैक्सिमम ठीक, टाउ मैक्सिमम के बराबर होगा ये है ना रेडियस। तो इसको भी देख सकते हैं ये कितना था टाउ एक्स वाई था माइनस, दिस इज माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू, दोनों प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और दोनों एड हो गए 2 tau xy divided by 2 तो ये क्या आएगा tau xy ठीक। इस मोहर सर्कल से भी दिख रहा है ना सब चीजें ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मोहर सर्कल का यूज करके या फिर फॉर्मूला का यूज करके। उसके बाद देखते हैं एक और केस है, प्योर सीआर का केस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में प्योर सीआर का केस, उसका प्लेन कितना एंगल बनाएगा ठीक। तो ये सब चीज डायरेक्ट याद रखना है, थीटा पी वन क्या होगा थीटा पी टू क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव है, दोनों का पोजिशन जो रहता है वो एक का 45 degree था और एक था 135 degree ठीक। उसके बाद देखते हैं और लास्ट है, क्या था एक इस साइड से एलिमेंट है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है सिग्मा, केवल और केवल सिग्मा लग रहा है ठीक, ना टाउ एक्स वाई है नहीं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेसेस है। तो इसके लिए मोहर सर्कल कैसे बनेगा, दिस इज ओ पॉइंट ठीक, मैं क्या मान के चलिए दिस इज सिग्मा ठीक, इतना सिग्मा है। अब इधर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो आएगा ठीक, कुछ भी नहीं है तो जीरो ठीक, और टाउ एक्स वाई वगैरह भी नहीं है तो ये जीरो हो गया। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये यही सेंटर होगा, दिस इज बी पॉइंट यहीं पे आ जाएगा सेंटर, मतलब दिस इज सिग्मा बाई टू के बराबर होगा, आधा होगा इसका। अब क्या करता हूँ मैं, इतना रेडियस लेके इसको एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ रेडियस लेके ठीक, थोड़ा सा हो गया देख लेना ठीक है। तो यहां से देखता हूं मैं टाउ सिग्मा वन क्या आएगा और सिग्मा टू क्या आएगा, तो यहां से मुझे पता चल रहा है सिग्मा वन क्या आएगा, सिग्मा के बराबर ही आएगा और सिग्मा टू जो आएगा वो जीरो आएगा, मोहर सर्कल से ही पता चल गया है ना। तो मोहर सर्कल से ही टाउ मैक्सिमम कितना आएगा वो भी देख लेते हैं, तो मोहर सर्कल से ही देखूंगा टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, तो रेडियस कितना है सिग्मा बाई टू, सिग्मा बाई टू ये कितना आ गया सिग्मा बाई टू आ गया ठीक। इसमें टेन टू थीटा पी वन क्या होगा, टेन टू थीटा पी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन टू थीटा पी वन टू इसी में देखता हूं तो कितना आएगा,
एक्स इसी एक्सिस में बन रहा है ना, नॉर्मल एक्सिस से ही चालू हुआ है सर्कल ये पॉइंट, ठीक। तो ये कितना होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा पी वन की वैल्यू 0 डिग्री, और वैसे ही थीटा पी टू देखूंगा, ठीक। सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ, थीटा पी टू इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस 90 होता है हमेशा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। टाउ मैक्सिमम का वो देखता हूँ, टाउ मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक। दिस इज टाउ मैक्सिमम जो कि इक्वल है सिग्मा बाय टू के, ठीक। टाउ मैक्सिमम का ये कितना है दिख रहा है यहाँ पे, 90 दिख रहा है, तो उसमें कितना होगा एलिमेंट में 45 डिग्री होगा, ठीक। तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, इसको फाई अगर लिखता हूँ तो ये दिस इज पाई बाई फोर या फिर 45 डिग्री पे होगा, ठीक। शियर स्ट्रेस का, ठीक, कितने एंगल पे मिलेगा वो सब पता चल गया। अब इसी को फॉर्मूला में अगर देखूंगा मैं, तो सिग्मा वन अगर कैलकुलेट करता हूँ तो सेम अप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस, दोनों को एक साथ लिखता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर। तो क्या है, सिग्मा वाई नहीं पता है मेरे को और टाउ एक्स वाई भी नहीं पता, केवल सिग्मा एक्स पता है। तो सिग्मा वन टू इक्वल टू सिग्मा एक्स पता है क्या है, सिग्मा है, सिग्मा बाई टू हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जीरो हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये भी जीरो हो जाएगा, ये क्या आएगा सिग्मा बाय टू प्लस माइनस ये सिग्मा बाय टू, ठीक। तो सिग्मा वन यहाँ से मेरे क्या मिल गया है फॉर्मूला से, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा बाय टू प्लस सिग्मा बाय टू, तो ये हो गया सिग्मा बाय टू प्लस सिग्मा बाय टू इक्वल टू सिग्मा, ठीक। सिग्मा टू क्या मिलेगा, सिग्मा बाय टू माइनस सिग्मा बाय टू तो जीरो, ठीक। वही चीज आया ना जो मोहर सर था उससे कैलकुलेट किए थे, टाउ मैक्सिमम निकालूंगा सेम सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय फॉर्मूलास निकालूंगा, टाउ मैक्सिमम अगर सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू करूंगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस जीरो बाई टू, तो सिग्मा बाई टू ही होगा, टेन टू थीटा पी वन, सब सेम सब चीज हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं ये सब चीज, ठीक। अब देखते हैं, देखो मैंने जितना भी यहाँ पे कैलकुलेट किया केवल मोहर सर्कल का यूज करके मैं पूरा सब चीज बता दिया क्या होता है ना, तो मोहर सर्कल कितने इंपॉर्टेंट है जान सकते हो, या इवन मतलब आप फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि सिग्मा वन का फॉर्मूला कैसे बन रहा था, सिग्मा टू, सब चीज डेरिवेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए इसका, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, फिर उसके बाद क्या बचता है इसमें, हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका, इससे रिलेटेड, और जो प्रीवियस टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में आया हुआ है, राजस्थान पीएससी, ठीक, 2014 में, ठीक। इसमें है क्वेश्चन है, इन अ मोहर सर्कल ऑफ क्या है सिग्मा टाउ प्लेन, इन अ मोहर सर्कल ऑफ सिग्मा टाउ प्लेन द वर्टिकल डाया रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल डाया रिप्रेजेंट्स, ठीक। तो वर्टिकल डाया क्या रिप्रेजेंट करता है मोहर सर्कल में, मैंने बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। ऑप्शन दिया था इसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक। तो वर्टिकल डाया क्या रिप्रेजेंट करता है मोहर सर्कल का, वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन टू, ठीक। मोहर सर्कल फॉर स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय, ठीक, मोहर सर्कल फॉर स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय, ये सब जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है ना।
इस तरीके से है 30 0, दिस इज 0, ये 30, ठीक इस तरीके से दिया है। मैं क्या क्या निकालना है मेरे को, इसमें मेरे को तो बताना है सिग्मा 1 क्या होगा, ठीक सभी चीज देख लेते हैं, सिग्मा 2 क्या होगा, टाउ मैक्सिमम क्या होगा और क्या देख सकते हैं, उसके बाद थीटा P1 वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। तो क्या होता है, मैंने बताया था स्ट्रेस टेंसर, जब बताया था तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस टेंसर में, ये होता है सिग्मा एक्स एक्स, दिस इज टाउ एक्स वाई, ये होता है टाउ वाई एक्स और दिस इज सिग्मा वाई वाई, ठीक। तो क्या क्या गिवन है, टाउ एक्स वाई इसको देखेंगे कंपेयर करेंगे तो सिग्मा एक्स एक्स की के लिए हमें क्या दे दिया है 30, ठीक ये मेगा पास्कल में है सब, है ना 30 मेगा पास्कल में सब, और ये दिया है टाउ एक्स वाई क्या हो गया 0 और सिग्मा वाई वाई क्या है 30 है, ठीक। सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सब निकालना, तो कैसे बनेगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर एलिमेंट में शो करूंगा तो इधर 30, ठीक और इस साइड भी 30, ठीक 30 30। तो इसके लिए जब मोहर सर्कल बनाऊंगा तो ये क्या है इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस, ठीक। तो इसके लिए जो मोहर सर्कल बनेगा 30 यहां पे बनेगा और ये पॉइंट बनेगा, है ना, क्योंकि इक्वल क्या है, इक्वल है दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों क्या है एक ही जैसा टाइप का है, लाइक स्ट्रेसेस है ना। तो ये 30 आएगा पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे सिग्मा 1 क्या मिलेगा 30 मिलेगा, सिग्मा 2 भी 30 मिलेगा, टाउ मैक्सिमम क्या होगा 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस 0 है इस सर्कल का, है ना, डैम पॉइंट मोहर सर्कल है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, देखो कॉन्सेप्ट पता है कितना इजी बन जाता है क्वेश्चन। उसके बाद फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन है, उसमें टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, एक स्ट्रेस एलिमेंट दे दिया है, इसके लिए क्या निकालना है मेरे को, टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, टाउ मैक्सिमम, ठीक। तो मोहर सर्कल से देखता हूं मैं, ठीक 80 मेगापास्कल है तो मैं मान के चल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक दिस इज 80 मेगापास्कल, है ना, टेंसाइल है कंप्रेसिव है 1 2, दिस इज 20 मेगापास्कल, मैंने क्या कैलकुलेट करना है टाउ मैक्सिमम, है ना। तो एक इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा 1 2 3 4, यहां कहीं आएगा मिड पॉइंट, ठीक यहां कहीं आएगा। तो फिर मिड पॉइंट निकालना है, तो मैंने बताया था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 करते हैं मिड पॉइंट मिल जाता है, ठीक। तो इसी करूंगा तो 80 माइनस दिस इज माइनस 20, है ना, 80 माइनस माइनस 20 करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 50 में मिलेगा एक मोहर सर्कल, ठीक है 50 मतलब सेंटर जो है ए 1, दिस इज 10 20, यहाँ से काउंट करना है 10 20 30 40 ए 50, ठीक यहाँ पे मिलेगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद फिर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं, है ना, तो टाउन मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा इसी के बराबर होगा ये, ठीक रेडियस के बराबर इतना ही रेडियस रहेगा यहाँ पे, तो टाउन मैक्सिमम मेरा क्या पता चल गया 50, ठीक। अगर इसी को ये सर्कल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी जो सर्कल बनेगा वो यहाँ से पास होगा दिस इज द सेंटर, तो ये टाउ मैक्सिमम जो मिलेगा ये होगा, ये क्या होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होता है, यहाँ पे सिग्मा 1 क्या होगा सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 1 क्या होगा जो सिग्मा एक्स के बराबर है वही होगा सिग्मा 1, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक। सिग्मा 2 हो जाएगा सिग्मा वाई के बराबर, इससे 20 यानी माइनस 20 कंप्रेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 50, ठीक तो यही आया 50 MPa, ठीक टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट हो गया। तो मोहर सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, है ना, सिंपल है। उसके बाद क्या है,
प्योर सीआर का केस है, उसमें 80 मेगा पास्कल दे दिए है टाउ एक्स वाई की वैल्यू, ठीक। और उसमें कैलकुलेट करना है सिग्मा वन क्या होगा, सिग्मा टू क्या होगा। तो मैंने बताया था प्योर सीआर के केस में कैसे बनेगा, टाउ एक्स वाई के बराबर ही रहता है, ठीक। सिग्मा वन जो है टाउ एक्स वाई के बराबर होगा, सिग्मा टू होगा माइनस टाउ एक्स वाई के बराबर। तो प्लस 80 और माइनस 80 पता चल जाएगा, उसको पोजिशन भी निकालेंगे तो एक का 45 आएगा, एक का 135। एक क्वेश्चन है सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑन विच द सीयर स्ट्रेस इज, ऑप्शन दे दिया है मैक्सिमम हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस 0 and 1, ठीक। ये तो सबको पता होगा, प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज प्लेन ऑन विच द सीयर स्ट्रेस इज। तो प्रिंसिपल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है, ठीक। और इसी को अगर ऐसे पूछता, प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस इज बोलता है ना, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है प्रिंसिपल प्लेन पे, या तो मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम, दोनों हो सकता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है। उसके बाद देखते हैं एक जो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड है। फॉर एन एलिमेंट अंडर वाई एक्सियल स्ट्रेस द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, क्या बोल रहे हैं, फॉर एन एलिमेंट अंडर वाई एक्सियल स्ट्रेस, ठीक। फॉर एन, इसको लिख लेना, फॉर एन एलिमेंट अंडर वाई एक्सियल स्ट्रेस, ठीक। वाई एक्सियल मतलब टू डायमेंशनल बोल रहे हैं, फॉर एन एलिमेंट अंडर वाई एक्सियल स्ट्रेस द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, जैसे सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है, ठीक। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस कहने का मतलब है, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है ना, ये जो लग रहे हैं स्ट्रेसेस उसके परपेंडिकुलर में, तो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, इसमें ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन को लिख लेना। फॉर एन एलिमेंट अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीएससी में, यही के एग्जाम में पूछा गया है ना, यही के एग्जाम में। फॉर एन एलिमेंट अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस आर इक्वल टू मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, ठीक। पी पॉइंट हाफ ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, हाफ ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस, सी पॉइंट है ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और डी पॉइंट है समटाइम कॉन्स्टेंट, समटाइम कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने बताया स्ट्रेस इनवेरिएंट बताया था, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई करूँ मैं, चाहे सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू करूँ, या फिर किसी भी प्लेन में मैं नॉर्मल स्ट्रेस लिया जैसे वन है प्लस सिग्मा एन टू किया, तो इन ये सब क्या रहता है, इसका वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक। सो सम करेंगे तो ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद अब क्वेश्चन है जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे, कल पढ़े थे, उसमें का क्वेश्चन है। इफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए है ना, इफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स पी, ठीक। इसमें टेंसाइल फोर्स क्या आ रहा है, एक प्रिज्मेटिक बार है, इसमें टेंसाइल फोर्स आ रहा है पी, ठीक। इसका एरिया दे दिया गया है ए है ना, एरिया ए, ठीक। इफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स पी द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस इज गिवन बाय, क्या बोल रहा है, द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री,
45 डिग्री प्लेन, सॉरी द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस इज गिवन बाय ये इसी, ठीक 45 डिग्री पे इंक्लाइन है ना। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस जो आएगा ये टाउ, ये क्या होगा ये कैलकुलेट करना है मेरे को, है ना। इफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स पी, द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस इज गिवन बाय, और ऑप्शन दिया है पी अपॉन 2a, बी ऑप्शन है 3p अपॉन 2a, ठीक सी ऑप्शन है 2p अपॉन 3a, उसके बाद डी ऑप्शन है 2p अपॉन a, ठीक है। शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने में 45 डिग्री पे क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन किए थे यूनिएक्सियल स्ट्रेस, यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का, है ना, ठीक। मान के चलिए वो फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है ना, तो मैंने एक बायएक्सियल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सिग्मा नॉर्मल क्या होता है वहां पे बायएक्सियल के लिए, सिग्मा एक्स, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, कुछ याद रखो या मत रखो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है बायएक्सियल स्ट्रेस का, ठीक। प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ठीक ये चीज याद रखना है। और एक और फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का, उसी के लिए जैसे बाई एक्सियल का तो याद रखना है, अगर यूनि एक्सियल का याद भी नहीं रख पाया है तो बाई एक्सियल का तो रखना ही है। इस टाइप से था, उसके लिए फॉर्मूला मैंने निकाला था, ये ऐसे था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ रहा था टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई था, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, और ये एंगल जो था दैट इज थीटा डिग्री, ठीक। यहाँ पे मेरे क्या कैलकुलेट करना था, नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना था सिग्मा एन, और इसी प्लेन पे मेरे क्या कैलकुलेट करना था शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला नॉर्मल के लिए ये होता है, ठीक, नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। शियर स्ट्रेस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ पे कॉस टू थीटा है, यहाँ पे ये कॉस कंपोनेंट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा ना, साइन टू थीटा प्लस यहाँ पे साइन कंपोनेंट आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद है, मान के चलिए मेरे को यूनिएक्सियल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला नहीं पता है ना, ये याद है, तो क्या करूंगा मैं इसी में देखूंगा मैं सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो कर दूंगा, ठीक, टाउ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कर दूंगा, अब मेरे क्या चाहिए सिग्मा एक्स प्लस दिया है पी, ठीक, तो इसको क्या कर देता हूँ पी अपॉन ए हो जाएगा सिंपल, ठीक, सिग्मा एक्स इक्वल टू पी अपॉन ए, क्योंकि मेरे स्ट्रेस के टर्म में लिखना है और लोड के टर्म में दिया है, तो सिग्मा नॉर्मल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स पे जब रख दूंगा मैं पी अपॉन ए, ये तो जीरो है प्लस जीरो बाई टू प्लस यहाँ पे भी आएगा पी अपॉन ए माइनस जीरो बाई टू कॉस टू थीटा, थीटा क्या होगा, थीटा 45 है दिया है तो कॉस 90 प्लस टाउ एक्स वाई क्या है जीरो है, तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, है ना, यहाँ से क्या आएगा मेरे को पी अपॉन 2a, ठीक, ये सब कट गया, ये भी क्या हो जाएगा जीरो होगा, कॉस 90 जीरो रहता है ना, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, पी अपॉन 2a आया सिग्मा नॉर्मल, मेरे क्या चाहिए, लेकिन सिग्मा नॉर्मल तो हम लोग जब कैलकुलेट करते थे तो क्या आता था, देखो इसके लिए जब निकाल रहा था मैं सिग्मा नॉर्मल क्या हाथ मिलता था, सॉरी यहीं पे गलत हो गया थोड़ा से, पी अपॉन टू, हाँ सही है सही है, 45 डिग्री पे मैंने बताया था सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू पी अपॉन टू ए होता है, ठीक, तो मेरे क्या है सिग्मा एन का जो फॉर्मूला रहता था वो क्या रहता था, यूनिएक्सियल स्ट्रेस के लिए पी अपॉन ए रहता था और कॉस स्क्वायर थीटा होता था, है ना, ये फॉर्मूला रहता था, ठीक। अब इसी में 45 रखूंगा तो कॉस 45 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो पी अपॉन 2 ये आया, ठीक, ये चीज आया था, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो तब भी बनेगा क्वेश्चन, है ना। टाउ सिग्मा टाउ निकालना है मेरे को, ये भी इसी के बराबर आता है पी अपॉन 2a, है ना, दोनों बराबर रहते हैं 45 डिग्री करके कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स है पी अपॉन ए अपॉन 2, ये जीरो हो जाएगा, साइन जी साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक, प्लस टाउ एक्स वाई तो जीरो है टाउ एक्स वाई, ठीक, तो यहाँ भी ये क्या मिला पी अपॉन 2, तो ये क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक, टाउ,
और यही क्या रहता है मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, मैंने बताया था 45 डिग्री पे टाउ क्या रहता है यूनिक शेल स्ट्रेस की कंडीशन में, टाउ मेरा क्या रहता है मैक्सिमम होता है ना, ये चीज भी याद रखना है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला और इसके लिए फॉर्मूला जो आता है P/2a sin 2θ करके फॉर्मूला आता है, अगर ये भी नहीं पता तो मेरे को ये दोनों फॉर्मूला तो याद रखने ही है, सिग्मा नॉर्मल का और ये टाउ का, इससे बना लेंगे हम लोग जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन आर सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है सीजी हाउसिंग बोर्ड जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखो, क्वेश्चन सिंपल है ना, लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को। प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन आर सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू क्या दे दिया, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन आर सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, मतलब ये क्या है सिग्मा वन है यही और यही सिग्मा टू भी है ना। नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस विल बी है ना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, नॉर्मल स्ट्रेस इन द प्लेन इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस विल बी बोल रहे हैं ना। इसके लिए कैलकुलेट करना है तो ए ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं, जीरो दिया है, बी ऑप्शन है 5000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, सी ऑप्शन है 10,000 है, ठीक, डी ऑप्शन है 20,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा नॉर्मल 45 डिग्री पे क्या होगा, तो इसको मोहर सर्कल से सॉल्व कर सकते हैं देखो, ठीक, क्या है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों क्या है इक्वल है और यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक, 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसके लिए आंसर सिग्मा, सिग्मा वन भी यही है, सिग्मा टू भी यही है, सिग्मा मैंने बताया जितना भी प्लेन होगा यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू किसके बराबर रहेगा, इसी के बराबर होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस 45 पे निकालू मैं, 0 डिग्री पे निकालू, 90 डिग्री, 135, 120 डिग्री, 115 डिग्री, कितना भी डिग्री पे मैं कैलकुलेट करूँ, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगा 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूँ तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला क्या है, हाँ देखो फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा नॉर्मल का, मैंने अभी जो लिखा था सेम फॉर्मूला यहाँ पे रखना है ना, क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, फॉर्मूला बार बार लिख के देखना ताकि याद हो जाए है ना, बार बार हर क्वेश्चन को बनाने से पहले फॉर्मूला लिखना फिर सॉल्व करना, मोहर सर्कल से भी सॉल्व करके देखना और फॉर्मूला से भी, ताकि फॉर्मूला क्या हो जाए दिमाग में बैठ जाए है ना। तो ये इस तरीके से बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेस एलिमेंट, सम टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेना, कंप्रेसिव स्ट्रेस को निगेटिव, द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, इसमें तीनों चीज यूज हो रहे हैं, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेस एलिमेंट बिलो, ठीक, एक स्ट्रेस एलिमेंट दिया है उसमें सब चीज क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया है, एक स्ट्रेस एलिमेंट है इसमें सिग्मा एक्स दिए है 50 MPa, ठीक, सिग्मा वाई दे दिया है, दिस इज 10, सॉरी इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है, कंप्रेसिव है ना, 10 MPa, यहाँ पे 10 MPa, ठीक, और इधर 50 MPa है, इधर भी टाउ एक्स वाई दिया है 40 MPa, टाउ एक्स वाई जो आएगा वो 40 MPa है, 40 MPa, अब मेरे क्या कैलकुलेट करना है,
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बताना है। ऑप्शन दिया गया है 50 माइनस 50, ठीक, बी ऑप्शन है 70 और माइनस 30, सी ऑप्शन है माइनस 70 और माइनस 30, ठीक, डी ऑप्शन है 30 और 70, ठीक। तो ये चीज मेरे को कैलकुलेट करना है। तो क्या सिग्मा वन क्या होता है, सिग्मा वन इक्वल टू मोहर सर्कल से भी बना सकता हूँ मैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा मोहर सर्कल में थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें शियर स्ट्रेस भी दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मोहर सर्कल से। मोहर सर्कल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए यूज करना ज्यादा सही रहता है। सिग्मा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, मतलब दिस 50 और सिग्मा वाई क्या है माइनस 10 डिवाइडेड बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होता है ना। तो 50 माइनस माइनस 10 डिवाइडेड बाई टू और इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 60 डिवाइडेड बाई टू, ये 30 प्लस माइनस अंडर रूट 50 प्लस 10 कितना हुआ 60 डिवाइडेड बाई टू, ये 30 का स्क्वायर होगा और ये 40 का स्क्वायर होगा। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 का स्क्वायर होता है मतलब 50 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 50 स्क्वायर होगा अंडर रूट में, तो ये 50 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 कैलकुलेट किया तो 30 प्लस 50 आया, सिग्मा 2 कैलकुलेट करूंगा तो माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो सिग्मा 1 इक्वल टू 30 50 80, ठीक, 80 MPa, 80 आएगा ना, नहीं गलत है ये, 80 ऑप्शन में भी नहीं है, 50 में 10 गया 40 बटे 2 कितना हुआ 20, ये 20 होगा, 20 प्लस 50 70 होगा, ठीक। सिग्मा 2 क्या आएगा, सिग्मा 2 20 माइनस 50 माइनस 30 होगा, 20 माइनस 50 माइनस 30 आएगा, तो कौन सा सही होगा 70 माइनस 30, ये सही होगा, है ना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं बिना ऑप्शन सॉरी बिना कैलकुलेट करे मैं देखता हूँ, है ना, कौन कौन सा ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, देखते हैं। मैंने बताया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ठीक, बिना कैलकुलेट किए मैं सॉल्व करके देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक, क्या मेरे सॉल्व करने की जरूरत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक, उसको देखते हैं। सिग्मा एक्स क्या दिया है 50 और सिग्मा वाई क्या दिया है माइनस 10, ठीक, कंप्रेसिव है तो माइनस, तो ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है, 40 MPa दोनों के बीच का है ना डिफरेंस, मतलब एड किया दोनों को सम किया, स्ट्रेस इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट रहता है बोलते हैं ना, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस का बीच का जो सम करेंगे स्ट्रेसेस का तो 40 MPa कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक। तो मैंने क्या निकालना है, दोनों चीज कैलकुलेट करना है सिग्मा वन भी और सिग्मा टू भी, ठीक, मैं देखता हूँ किसका सम दोनों को ऐड करके देखता हूँ कौन से ऑप्शन में 40 MPa आ रहा है, ठीक, इसमें देखता हूँ इसमें क्या आ रहा है 50 माइनस 50 जीरो आ रहा है, ठीक, इसमें देखता हूँ 70 माइनस 30 सम किया तो 40 ये हो जाएगा 7 3 100 7 3 10 100 हो गया, ये भी कौन सा ऑप्शन में है बी में, क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग और करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। मान के चलिए दो ऑप्शन में अगर वो होता मेरे को जैसे ये 60 दिया रहता और माइनस 20 दिया रहता है ना, 60 और माइनस 20 ये भी 40 हो रहा है, तब के केस में मेरे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ता है ना। तो ये सब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है बनाना, ठीक, लॉन्ग वे में जाने के बजाय शॉर्टकट तरीका बना के हम अपने टाइम को क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है और क्वेश्चन देखता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में ही डायमीटर निकालना था मोहर सर्कल का, तो उसको आप कैलकुलेट कर लेना डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कहो या फिर 2 times टाउ मैक्सिमम कहो, है ना, दोनों चीज एक ही होगा, तो वो कैलकुलेट करना था। आप सीयर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कितना आएगा उसका 2 times कर देना, डायमीटर पता चल जाएगा। फॉर अ ब्लॉक विद यंग मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल बीइंग 210 GPa एंड इट्स पॉइसन रेशियो, ये वाला क्वेश्चन को रहने दो, अभी हम लोग क्या नहीं पढ़े हैं स्ट्रेन के लिए मोहर सर्कल नहीं पढ़े हैं ना, तो ये क्वेश्चन को रहने देते हैं। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन बचा क्या मैं देख लेता हूँ।
क्वेश्चन है जिसमें मतलब ऐसी सिंपल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेसिस पे, व्हाट इज रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ठीक इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस केस में, है ना। ऑप्शन दिया है हाफ सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक, बी ऑप्शन है हाफ सॉरी डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक, सी ऑप्शन है सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके बाद डी ऑप्शन है हाफ डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, हाफ डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस ठीक। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था जैसे कोई मोहर सर्कल है उसका रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिस इज द टाउ मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है ठीक, है ना। तो इसको देखते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्मूला वगैरह में। हाफ सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन और सिग्मा टू है तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसका हाफ, दैट मींस सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू होता है क्या। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है ना, थ्योरी में लिखा है उसको ऐसे ही दे सकता है, उसका डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट मींस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बोल रहा है ठीक, सम ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल रहा है दैट मींस सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, और यहाँ पर हाफ डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसका हाफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। तो मैं क्या बताया, दिस इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल विच इज इक्वल्स टू टाउ मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट दिस इज सिग्मा वन दिस इज सिग्मा टू, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू ठीक, ये होगा आंसर। हाफ डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल या फिर कहें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और तो क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं है, इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको करना रहेगा तो आप बुक टाइम बुक का और एसी के बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चन ठीक है और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उसके बाद देखते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन। प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग स्ट्रेन के लिए मोहर सर्कल कैसे बनेगा। देखता हूँ प्लेन, पहले प्लेन स्ट्रेस देखते हैं फिर प्लेन स्ट्रेन देखेंगे, है ना, प्लेन स्ट्रेस ठीक। प्लेन स्ट्रेस नाम से ही देखते हैं ठीक, प्लेन कहने का मतलब है दैट इज द टू डायमेंशनल ठीक, टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल स्ट्रेस है ना, जैसे सिग्मा एक्स, अगर सिग्मा वन मान लेता हूं अगर इसको सिग्मा वन दिस सिग्मा टू ठीक, सिग्मा वन सिग्मा टू, टू डायमेंशनल स्ट्रेस। प्लेन स्ट्रेस कहने का मतलब है टू डायमेंशनल स्ट्रेस ठीक, बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन कैसे होगा, जैसे एक कागज लेता हूं मैं, है ना, जैसे मैं एसी को लेता हूं ठीक, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। प्लेन स्ट्रेस के केस में ऐसे रहेगा, एक साइड इस साइड लगा हुआ है, इस साइड स्ट्रेस है और इस साइड, है ना, इसके थर्ड डायमेंशन में, थर्ड
थर्ड डायमेंशन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लगा हुआ है, बट थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेन आएगा, है ना। स्ट्रेन आएगा क्यों? क्योंकि प्लेन स्ट्रेस के केस में जो रहता है, जो प्लेन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? थिन शीट के लिए। ठीक, थिन शीट के लिए। थिन शीट कहने का मतलब है एक, इसका एक साइड जो है वो पतला रहेगा इस कंपेयर टू बाकी साइड का, है ना। थिन रहेगा एक साइड, मतलब वेरी स्मॉल रहेगा इस तरीके से। बाकी देखूंगा एग्जैक्शन, अगर इसको मानता हूँ तो ये क्या है, ये इसका लेंथ होगा, है ना, ये इतना लंबा है। वाई डायरेक्शन देखूंगा तो ये इस तरीके से, बट जेड डायरेक्शन अगर इसका देख रहा हूँ तो ये कितना है, केवल इतना ही है। ठीक, तो ये क्या है, इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल है ना। तो ये थिन शीट के डिजाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लेन स्ट्रेस का। याद कैसे रखना है, प्लेन स्ट्रेस, प्लेन कहने का मतलब है टू डायमेंशनल स्ट्रेस। टू डायमेंशनल स्ट्रेस है तो जो स्ट्रेन आएगा वो थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन कैसे आ रहा है, इस साइड आएगा सिग्मा वन के कारण से आएगा, है ना, सिग्मा टू के कारण से आ रहा है ना, और सिग्मा टू के कारण ही इस साइड भी आएगा, मैंने बताया था। इसके कारण से जो स्ट्रेस आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। सिग्मा टू के कारण से इधर आएगा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, बट सिग्मा टू के कारण से जो इधर आएगा दैट इज क्या होगा, इसके कारण से इधर आएगा वो लेटरल स्ट्रेन होगा, है ना। इधर से खींचूंगा तो ये दबेगा, है ना, तो कंट्रेक्शन होगा। वैसे ही इसको अगर इधर खींचता हूँ मैं, इस साइड ऐसे खींचूंगा तो ये क्या होगा, ऐसे खींचूंगा तो ये लंबा होगा, लेंथ तो लंबा होगा बट इसका क्या बोलते हैं विड्थ या फिर एरिया कहूँ तो वो क्या होगा, कम होगा, पतला होगा। ठीक, तो इसके कारण से लेटरल स्ट्रेन आएगा इस साइड। तो क्या होता है देखते हैं, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ स्ट्रेन कितना आएगा, है ना, तो कितना आएगा ई वन, ठीक, सिग्मा वन अपॉन ई। ये किसके कारण से आया हुआ है, सिग्मा वन अपॉन ई जो है ये आया हुआ है इसके कारण से, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया हुआ है सिग्मा वन अपॉन ई इस डायरेक्शन में, इसके कारण से भी इस डायरेक्शन में आएगा। मैंने बताया था ये सब कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस के और पहले में। यहाँ पे आएगा म्यू टाइम सिग्मा टू अपॉन ई, इसके कारण से आ रहा है इधर स्ट्रेन। ठीक, वैसे ही ई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टू अपॉन ई होगा इसके कारण से। ठीक, स्ट्रेन जो आएगा, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, और लेटरल स्ट्रेन कैसे आएगा, सिग्मा वन के कारण से इस डायरेक्शन में। इसको खींचूंगा ये क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन इसका ये वाले डायमेंशन जो क्या है वो पतला हो जाएगा, लंबा होने के कारण से ये पतला हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेन कैसे आया इस डायरेक्शन में, माइनस म्यू सिग्मा वन अपॉन ई। ठीक, यहाँ पे उसको देख लेना, ठीक, ये टेंसाइल है, यहाँ पे टेंसाइल प्लस लिया, ठीक, ये माइनस क्यों लिया मैं, क्योंकि इसको खींचने के कारण से, ये किसके कारण से आ रहा है, सिग्मा टू के कारण से आ रहा है। इसको खींचने के कारण से क्या होगा, इस साइड तो लंबा होगा, है ना, लेकिन ये लंबा होगा इस साइड, है ना, इस साइड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसी कारण माइनस लिया मैं। यहाँ पे कंट्रेक्शन हो रहा है, इधर इलॉन्गेशन हो रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ याद रखना है, ई वन ई टू, बट मैं क्या बताया, ई थ्री भी आएगा, है ना, क्या आएगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन आएगा। टू डायमेंशनल स्ट्रेस है बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई थ्री डायरेक्शन, दैट मीन्स ये ई थ्री या मान के चलिए ये, ठीक, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वन अपॉन ई होगा ये भी, और माइनस म्यू सिग्मा टू अपॉन ई ये होगा। ठीक है, थिन शीट के डिजाइन के लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेन स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो थिन शीट के डिजाइन के लिए यूज किया जाता है प्लेन स्ट्रेस का। ठीक, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में भी देखो क्या था, ये इस डायरेक्शन में लंबा है, इधर भी है ना, और ये पतला है। ठीक, ये पतला है तो स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा आएगा ना, तो इसी कारण थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन आ रहा है। ठीक, पतला है इसी कारण स्ट्रेन ज्यादा आएगा। अब देखते हैं प्लेन स्ट्रेस हो गया, अब प्लेन स्ट्रेन देखते हैं, और कुछ बच गया क्या इसमें, नहीं और कुछ नहीं बचा है, प्लेन स्ट्रेन देखते हैं। ठीक, इसको मिटा देता हूं, प्लेन स्ट्रेन। ठीक, प्लेन स्ट्रेन कहने का मतलब है प्लेन, ठीक, सेम वैसे देखेंगे टू डाइ
डायमेंशनल क्या स्ट्रेंथ, ठीक, टू डायमेंशनल स्ट्रेंथ बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस, ठीक। इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा से। टू डायमेंशनल स्ट्रेस बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस ऐसे हैं, इसे थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से याद आ रहे, है ना। वैसे और लंबा कर देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको इधर आप लोग लिख लेना। ठीक, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा स्पेस आएगा इस फेस के लिए, यहाँ पे आ रहा है मान के चलो सिग्मा वन, ठीक। इधर देखूंगा, अगर ऊपर वाले फेस में देखूंगा ये ऐसे रखा है तो इधर मैंने ले लिया सिग्मा वन ले लिया इस साइड, ठीक। इसमें ऊपर की ओर लूंगा तो दैट इज सिग्मा टू, ठीक, और सामने साइड लूंगा तो ये सिग्मा वन दिस सिग्मा टू, सामने साइड जो स्पेस आएगा ये दिस सिग्मा थ्री, ठीक। मैंने बताया प्लेन स्ट्रेन मतलब टू डायमेंशनल स्ट्रेन बट थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस, तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस आएगा, है ना, लेकिन टू डायमेंशनल स्ट्रेन आ रहा है, मतलब थर्ड डायमेंशन में क्या है जीरो होगा, ठीक। कहने का मतलब है जो मैं सीट यूज कर रहा हूँ वो कैसा है, अब बताता हूँ इसके लिए एग्जाम्पल। देखो ये बॉक्स है ना, इसको देख सकते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या है, एक डायमेंशन जो है वो कितना है थीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसी टाइप का है बॉक्स, ये थीक है ना, थीक होने के कारण से इसमें क्या आएगा स्ट्रेन जो आएगा बहुत ही निग्लिजिबल आ रहा है, इसी काम क्या कर रहे हैं उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, है ना, इसी काम क्या लिया जा रहा है थीक होने के कारण से स्ट्रेन, पहले केस में क्या था थीन था मतलब स्ट्रेन आएगा, है ना, पतला है तो स्ट्रेन ज्यादा आएगा, लेकिन ठीक है तो स्ट्रेन कम आएगा, तो कम आ रहा है मतलब उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। बट स्ट्रेस लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी और सामने साइड भी लग रहा है, ठीक। इस एग्जांपल को याद रखना, ठीक। तो ये किस चीज के, किस टाइप के मटेरियल के लिए, किस टाइप के सीट के डिजाइन के लिए रहेगा, दैट इज दिस इज फॉर ठीक सीट, वो किसके लिए था, थिन सीट के लिए था। अब इसमें स्ट्रेन की वैल्यू देखते हैं, टू डायमेंशनल आएगा, मैंने बताया ई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा वन अपॉन ई, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन देखूंगा तो इसके कारण से तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, है ना, और लेटरल स्ट्रेन इसके कारण से आएगा, इन दोनों के कारण से तो माइनस म्यू, दोनों का करेक्शन चलो ठीक है अलग अलग लिख देता हूँ, सिग्मा टू अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा थ्री अपॉन ई ऐसे आएगा, इसके कारण से भी आएगा इधर और इसके कारण से आएगा, ठीक है। जैसे इधर से खींचूंगा मैं तो ये वाला डायमेंशन तो बढ़ेगा, ये डायमेंशन बढ़ेगा, ठीक है ना, इधर से खींचूंगा तो ये डायमेंशन बढ़ेगा बट उसका एरिया जो रहेगा इस साइड रिड्यूस होगा, मतलब इधर क्या आएगा म्यू सिग्मा टू अपॉन ई आया, म्यू सिग्मा थ्री अपॉन ई आएगा इसके नाम से और उसके नाम से, ठीक। ये चीज याद रखना, ई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा टू अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वन अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा थ्री अपॉन ई, ठीक। बट ई थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक, ई थ्री इक्वल टू जीरो, तो ई थ्री इक्वल टू जीरो मतलब सिग्मा थ्री अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वन अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा टू अपॉन ई,
है ना, ये जीरो के बराबर है, यहाँ से मेरे क्या फार्मूला मिलेगा, ई तो सब जगह से कॉमन निकल के यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलता है मेरे को, सिग्मा थ्री इक्वल टू म्यू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से हम लोग को सीधा क्वेश्चन में अगर बोल देगा दे, एक कोई मतलब थिक सीट है बोल दिया, या फिर क्वेश्चन में बोल दिया प्लेन स्ट्रेन है ना, प्लेन स्ट्रेन है, तो उस केस में सिग्मा थ्री की वैल्यू क्या होगी बोल दिया है ना, सिग्मा वन और सिग्मा टू दे दिया है, सिग्मा थ्री क्या होगा बोल दिया, पॉइजन रेशियो दे दिया है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, याद रखना है स्ट्रेन क्या होता है, थर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रेन, थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेन जीरो रहता है, ये चीज याद रखना है, जो याद रखना है वो चीज ये है ना, और ये सब तो कॉन्सेप्ट है, कैसे निकाला मैं पता है ना, ये चीज याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, याद बस ये रखना है कि ई थ्री इक्वल टू जीरो होता है प्लेन स्ट्रेन केस है, टू डायमेंशनल स्ट्रेन आएगा, थर्ड डायमेंशन में जो है स्ट्रेन जीरो होगा, स्ट्रेन जीरो होगा मतलब थर्ड डायमेंशन में जीरो है, मतलब सिग्मा थ्री अपॉन ई है ना, सिग्मा थ्री अपॉन ई स्ट्रेस आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा थ्री इक्वल टू म्यू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू होता है, यहाँ से ये दोनों वैल्यू अगर दे दिया रहेगा सिग्मा वन सिग्मा टू, सिग्मा थ्री कैलकुलेट करने बोल सकता है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बनता है, व्हाई द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इज लाइंग ऑन नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक, जो मोहर सर्कल का सेंटर है वो हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस में ही क्यों लाई करता है, ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब अगर आप लोग को पता होगा तो मेरे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, ठीक, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको इस पर रिसर्च करना कि सेंटर ऑफ मोहर सर्कल क्यों नॉर्मल एक्सिस पे ही क्यों लाई करता है, नॉर्मल एक्सिस पे ही क्यों लाई करता है सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। वैसे ही एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जैसे हम लोग डक्टाइल मटेरियल क्यों प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल, जो डिजाइन इंजीनियर है वो डक्टाइल मटेरियल क्यों प्रीफर करता है, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग है ना, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप निकाल सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक। और एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे जैसे आरसीसी में है ना, आरसीसी पढ़ते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक, तो उसमें हम लोग जो रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं दैट इज द स्टील बार यूज करते हैं, तो स्टील ही क्यों यूज करते हैं उसके जगह में एल्यूमिनियम हो गया और या फिर कास्ट आयरन कॉपर कॉपर वगैरह ये सब चीज क्यों यूज नहीं करते है ना, स्टील ही क्यों यूज करते हैं, ठीक, तो ये सब इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, रिसर्च करना थोड़ा सी इन सब चीज पे के ऊपर, मैंने अभी तक पढ़ा चुका है वो सब चीज, इसी कारण मैं क्वेश्चन को बोला हूँ है ना, अभी तक वो सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, क्यों करते हैं क्योंकि देखो मैं सिंपल भी पढ़ा सकता था है ना, मतलब कई लोगों को मेरा लेक्चर मतलब पसंद नहीं आया ऐसा सुनने में आया था, ठीक, कि ये सब चीज तो सबको पता रहता है ऐसे करके, ठीक, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, लेकिन मेरा मतलब मेन क्या है, क्यों हो रहा है कोई चीज, ये चीज पढ़ना जरूरी है, ठीक। अगर आप कल के डेट में कहीं भी जाते हैं फील्ड वगैरह में भी जाते हैं या फिर आप एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है, आपका प्रीलिम्स निकल गया क्लियर हो गया, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो तब के लिए आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना, ग्रिप अच्छा है अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं है ना, तो आप उनको अच्छे से जवाब दे सकते हैं, अच्छे से टेकल कर सकते हैं, तो इसी कारण मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो क्या है, किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा हर चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज डील करूंगा है ना, तो आप लोग मतलब इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, और आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो मेरे YouTube लेक्चर में सारे सब्जेक्ट मैं वन बाय वन कंप्लीट करते चले जाऊंगा, पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ें, ठीक, अब ये खत्म होगा तो जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक, तो फिर देखते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे, अब स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो
किसी भी प्लेन में मेरे को, जैसे इसको जल्दी से बताता हूं मैं, है ना, कुछ नहीं रखा इसमें, ठीक। मेरे की इसे एक्सिस में स्ट्रेंथ पता है, E1 है, ये E2 है, सॉरी EX है, ये EY है, ठीक, EY EX है, है ना। मेरे किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, दैट मींस ये शियर स्ट्रेंथ पता है मेरे को, फाई एक्स वाई बाई टू, दिस इज फाई एक्स वाई बाई टू, ठीक, ये सब पता है ना मेरे को। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, किसी भी प्लेन पे मेरे को नॉर्मल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक। जैसे स्ट्रेस में क्या करते थे, स्ट्रेस पता रहता था, नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस पता रहता था किसी भी प्लेन पे, और हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते थे किसी भी प्लेन पे, किसी भी एंगल पे जाकर, है ना। तो सेम है, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए बस फॉर्मूला याद रखना, क्या चीज करना है, जितना स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला याद रखे हैं वही चीज को हम लोग स्ट्रेन में देखेंगे। कैसे, देखो हम लोग देखे थे सिग्मा नॉर्मल इसके लिए, ठीक। सिग्मा नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल लगता था, ये ई नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ पे जो आएगा दैट इज फाइव, क्या बोलूँ मैं, शियर स्ट्रेन है ना, फाइव एन बोल देता हूँ इसको भी, फाइव एन बाई टू, ठीक। तो ये क्या होगा देखते हैं, सिग्मा नॉर्मल क्या था, क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ठीक। सिग्मा नॉर्मल था, टाउ क्या था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक है। अब स्ट्रेन निकालना है मेरे नॉर्मल स्ट्रेन ई एन इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू प्लस ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई की जगह मेरे पुट करना है बस फाइव एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा, ये चीज याद रखना है ना, बाई टू आता है वहाँ पे, ये चीज याद रखना है, ठीक। जैसे हम लोग स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर देखते थे, टाउ वाई इक्वल टू लिखता था मैं स्ट्रेस टेंसर सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई सॉरी टाउ एक्स जेड, ठीक, यहाँ पे टाउ एक्स वाई ही लिख लेता हूँ, सिग्मा वाई वाई, ठीक, इधर सिग्मा जेड जेड आएगा ना, यहाँ पे टाउ सॉरी वाई होगा और जेड होगा, है ना, टाउ जेड वाई टाउ जेड सॉरी जेड एक्स होगा और जेड वाई, ठीक। ये था, इसको स्ट्रेन के टर्म में मैं लिखा था तो क्या था, यहाँ पे ई एक्स एक्स था, ये था फाइव एक्स वाई बाई टू था, फाइव एक्स जेड बाई टू था, ठीक, इस तरीके से बाई टू था ना यहाँ पे, ठीक। ये नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स है ना, सिग्मा एक्स की जगह हमने ई एक्स रख दिया, ठीक। तो टाउ एक्स वाई की जगह मेरे क्या रखना पड़ेगा, फाइव एक्स वाई बाई टू, ठीक। तो ये चीज बस याद रखना, फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा एक्स की जगह ई एक्स, सिग्मा वाई की जगह ई वाई और टाउ एक्स वाई की जगह में फाइव एक्स वाई बाई टू, शियर स्ट्रेस की जगह में शियर स्ट्रेन जब रखते हैं तो बाई टू लेते हैं, मैंने बताया था कैसे, जैसे ये है ना एक ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पे मैं एक सरफेस फोर्स अप्लाई किया, दैट मींस एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, ठीक, टाउ जो ऊपर के सरफेस पे लग रहती है, कैसे ले जाएगा इस तरीके से बॉडी को, दिस इज फाइव, ठीक है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ये दिस इज टाउ एंड ये केवल सिंगल नहीं आता ना, कॉम्प्लीमेंट्री आता है इसका, ठीक। अगर वैसे ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसको इधर लाएगा, है ना, ये कैसे रोटेट कर जा रहा है, इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, स्टेबल है क्या, स्टेबल, मैंने बताया सॉम हम जो पढ़ते हैं वो कैसे रहना चाहिए, स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। तो ये कहां स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नहीं है, ठीक। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री आएगा एक, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस जो कि इसी के बराबर रहते हैं, है ना। तो ये अब कैसे होगा, अब कैसे डिस्टॉर्ट होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, तो दिस इज फाइव एक्स वाई बाई टू होता है और ये फाइव एक्स वाई बाई टू, ठीक, दोनों को सम करता हूँ तो फाइव के इक्वल आता है, ठीक, इसी का फाइव एक्स वाई बाई टू ले रहे हैं टाउ एक्स वाई की जगह में। तो
ये हो गया। अब टाउ निकालना है मेरे को, दैट मींस शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है कहां पे, यहां पे, तो दैट इज 5n / 2 इक्वल टू, शियर की जगह में हमेशा याद रखना / 2 करना है, ठीक, अदरवाइज आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ex - ey / 2 sin 2 थीटा, ठीक, प्लस टाउ xy है 5xy / 2 cos 2 थीटा, ठीक, पूरा सेम है स्ट्रेसेस, स्ट्रेस की जगह में बस याद रखना है जो सिग्मा एक्स इक्वल टू ई एक्स पुट करना है, सिग्मा वाई इक्वल टू ई वाई और फाइव एक्स वाई सॉरी टाउ एक्स वाई की जगह में पुट करना है फाइव एक्स वाई बाई टू, दिस इज द शियर स्ट्रेन इन द प्लेन एक्स वाई, ठीक। उसके बाद फिर सारी चीजें जो होगा मोहर सर्कल वगैरह ड्रॉ करेंगे सेम बनेगा, स्ट्रेन E1 E2 जो यूज करेंगे सेम आएगा, E1 E2 भी वैसे ही आएगा जैसे E सिग्मा 1 सिग्मा 2 रहता था, वैसे ही E1 E2 होगा। क्या हो जाएगा, क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता है, मतलब EX प्लस EY बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट EX माइनस EY बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स वाई बाई टू, मैंने बताया टाउ एक्स की जगह फाइव एक्स वाई बाई टू और इसका स्क्वायर कर देना है, ये निकल जाएगा नॉर्मल। ई वन देखेंगे तो प्लस वाला, ई टू देखेंगे तो माइनस, ये प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेन है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें भी सेम चीज यूज होता है, स्ट्रेन इनवेरिएंट है ना, स्ट्रेन इनवेरिएंट, स्ट्रेन इनवेरिएंट मतलब ई एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू होता है, इस केस में भी, और ये कांस्टेंट रहता है इसमें भी, है ना, जैसे एक बार जोड़ूंगा दोनों को तो एक्स प्लस ई वाई आ जाएगा और एक बार घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, जब माइनस करूंगा दोनों को तो ये वैल्यू मिलेगा मेरे को, है ना, ये वैल्यू मिलेगा, मतलब ये किसके बराबर है, ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर है, ये भी रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, या फिर कहूँ तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो फाइव मैक्सिमम मिलेगा मेरे को, है ना, ये अगर इस टाइप से बना है तो दिस इज इक्वल्स टू फाइव मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, ठीक, उसके बराबर होगा, ठीक। तो ये फाइव मैक्सिमम निकालना है तो सेम क्या होता है ये, सॉरी फाइव मैक्सिमम बाय टू करना है इसमें भी, और यहाँ पे आएगा ई वन माइनस ई टू बाय टू होगा, ये दोनों कैंसिल होगा तो फाइव मैक्सिमम जो होगा वो दिस इज द फाइव मैक्सिमम ई वन माइनस ई टू, दिस द फाइव मैक्सिमम होगा, फाइव मैक्सिमम बाई टू इतना होता है ना, फाइव मैक्सिमम बाई टू इतना होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ई वन माइनस ई टू बाई टू होगा, ठीक, इतना तो, लेकिन अगर मैं टोटल देखता हूँ तो वो टोटल फाइव मैक्सिमम होगा, इतना जो होगा वो फाइव मैक्सिमम होता है, ये चीज़ याद रखना, कुछ नहीं करना है, मैंने बताया है इतना भी है, टाउ एक्स वाई की जगह में क्या रखना है मेरे को, फाइव एक्स वाई रख देना है और बाई टू कर देना है, ठीक। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू बाई टू हो जाएगा, ठीक, ई टू टू कैंसिल करके फाइव एक्स वाई निकाल सकते हैं, लेकिन रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है बोलेगा तो फाइव मैक्सिमम बाई टू रिप्रेजेंट करता है, ये चीज याद रखना, फाइव मैक्सिमम नहीं रिप्रेजेंट करता, रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है बोलेगा तब बोल सकते हैं फाइव मैक्सिमम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन सेम रहेगा सब चीज, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला इतने से ही क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर को नहीं जाएगा। उसके बाद फिर और कुछ थोड़ा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है उसके बाद, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है बट ठीक है, अगर स्लो चलते रहे तो कोर्स कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा से फास्ट चलते हैं कि उसमें कवर कर लेते हैं पूरा आज, फिर उसका कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे कल से। और एक आता है स्ट्रेन रोसेटे, ऐसे भी बोलते हैं स्ट्रेन RO SET स्ट्रेन रोसेटे, है ना, तो मेरे को क्या करना है, स्ट्रेन को मीजर करना है, ठीक, स्ट्रेन को मीजर करना है कि कितना स्ट्रेन आ रहा है करके, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन जो आता है वो उसे वैल्यू, जैसे
एक मीटर में आ रहा है 0.01 mm ऐसे आ रहा है, तो उसको मीजर कैसे करूंगा, तो उसके लिए एक मीजरिंग डिवाइस यूज करते हैं ना, स्ट्रेन रसो के। तो इन दिस इससे क्या करते हैं, इन दिस थ्री लीनियर स्ट्रेन आर मीजर्ड इन एनी थ्री डायरेक्शन, थ्री लीनियर स्ट्रेन को मीजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्ट्रेन रसो के यूज करके किसको मीजर करते हैं, लीनियर स्ट्रेन को, लेटरल लीनियर स्ट्रेन को मीजर करते हैं, कहने का मतलब है तीन लीनियर स्ट्रेन को मीजर करेगा, तीन डायरेक्शन, कोई भी तीन डायरेक्शन में है ना, शियर स्ट्रेन को मीजर नहीं करता, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। इन दिस थ्री लीनियर स्ट्रेन आर मीजर इन एनी थ्री डायरेक्शन। ठीक, अब इसमें अलग अलग टाइप रहते हैं, मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, मैं बताता हूँ। जैसे 45 डिग्री स्ट्रेन रसौटे बोलते हैं ना, 45 डिग्री स्ट्रेन रसौटे, तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से, और ये ऐसे है। ठीक, जीरो डिग्री अगर है, ये 90 डिग्री है, तो 45 कहने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो आएगा ई जीरो ई 90। ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं दिस इज ई एक्स बोल सकता हूँ मैं, और इसको बोल सकता हूँ ई वाई, दिस इज ई 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री स्ट्रेन लॉस होते हैं ना, यहाँ पे तीन डायरेक्शन में हम लोग मीजर कर रहे हैं स्ट्रेन को। ठीक, तो ई 45 कितना होगा, उसको अगर फॉर्मूला में अगर रखता हूँ मैं, तो क्या होगा, ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू। ठीक, ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू प्लस ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू। ठीक, कॉस टू इंटू 45 कॉस 90। ठीक, प्लस क्या होता है, टाउ आई एक्स वाई बाई टू आएगा, आई एक्स वाई बाई टू और साइन 90। ठीक, तो इसमें क्या है, सीयर स्ट्रेन क्या है, जीरो है। ठीक, जीरो है सीयर स्ट्रेन, इसमें सीयर स्ट्रेन को नहीं मीजर कर रहे हैं, ई 45 चाहिए मेरे को। ठीक, ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 भी जीरो रहता है, आल्सो जीरो। ठीक, कॉस 90 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ से जो टर्म आ रहा है ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू, ई 45 की वैल्यू जो आएगी ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू। क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ से, अभी तक तो क्वेश्चन मतलब नहीं पूछा, ये एसी में आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। तो ई 45 इस तरीके से अगर पूछ दिया हम लोग को, ई 45 देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ई 45 मैंने दे दिया, ई एक्स ई वाई दे दिया, मैंने सीयर स्ट्रेन कैलकुलेट करने बोल दिया, फाइव एक्स वाई की वैल्यू। ठीक, वो कैलकुलेट करने बोल दिया, तो ऐसे निकाल सकते हैं, और ई एक्स ई वाई दे दिया है, सीयर स्ट्रेन दे दिया है। ठीक, जनरली सीयर स्ट्रेन निकालने के लिए ही पूछता है, क्योंकि इससे क्या है, तीन चीज़ें मीजर हो जा रहा है, ई एक्स ई वाई और ई 45 भी पता चल जा रहा है मेरे को, है ना, लेकिन सीयर स्ट्रेन नहीं पता मेरे को, सीयर स्ट्रेन निकालने के लिए जनरली क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर 60 डिग्री अगर स्ट्रेन रसौटे बोलेगा, तो 60 डिग्री स्ट्रेन रसौटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 45 है ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 60 कर दूंगा, तो यहाँ पे 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री। ठीक, तो इसको बना लेना, थर्ड है 120 डिग्री स्ट्रेन रसौटे, तो सेम बनेगा ये, दिस ये तो 90 तो रहेगा ही हमेशा, है ना, 120 मतलब ये इस साइड आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ से 120। ठीक, इस साइड बनेगा ऐसे, ये थर्ड वाला E120 होगा, E120। ठीक, तो ये दोनों तो रहेगा ही हमेशा, ये रहेगा। ठीक, 60 में भी ये दोनों रहेगा, ये 60 डिग्री होगा बस, वैसे ही ये दोनों तो रहेगा, ये कहाँ 45 में था, वो 60 में गया, 60 के बाद 120 देखिए इधर आ गया। ठीक, उसके बाद 120 रख देना है सबके जगह में, तो वहाँ से फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, फार्मूला तो ये फार्मूला तो पता ही है ना, ये फार्मूला तो पता ही, कॉन्सेप्ट याद रखना, कहाँ पर 45 पुट करना है, कब कैसे करना है, उसके बाद बस हो गया। कितने हैं, डेल्टा स्ट्रेन रसौटे होते हैं और एक स्टार स्ट्रेन रसौटे, वो सब कुछ हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे लिखा था यहीं पे, एक क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक से, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पे, लेक्चर एंड कर देंगे। उसके कल से हम लोग क्या देखेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे।
सर वन बाय वन चलते जाएंगे, सीयर फॉर बेंडिंग मोमेंट खत्म होने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस में आएंगे, फिर उसके बाद सीयर स्ट्रेस, फिर टॉर्सन, ऐसे चलेंगे लाइन से। एक क्वेश्चन है, इफ नॉर्मल स्ट्रेसेस आर 30 मेगा पास्कल, एक क्वेश्चन है ना, इफ नॉर्मल स्ट्रेस आर, इसके बाद एंड करूंगा मैं लेक्चर को, ज्यादा लंबा हो गया। इफ नॉर्मल स्ट्रेस आर 30 MPa एंड 50 MPa, ठीक, एंड वन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड वन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आर 70 MPa, then find out another principal stress, ठीक। ये क्वेश्चन है, ठीक, अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। ऑप्शन दिया रहेगा ABCD है ना, तो मेरे पास क्या दिया है, नॉर्मल स्ट्रेस दिया, सिग्मा एक्स दे दिया 30 MPa, सिग्मा वाई दे दिया है 50 MPa, सॉरी मैं ना इसको जो बड़ा है उसको सिग्मा एक्स ले लेता हूँ, ठीक, और इसको 30 ले लेता हूँ, 30 MPa, ठीक। सिग्मा वन मेजर लेता हूँ मैं, तो इसको क्या इन दोनों से बड़ा है ना, तो मैं इसको मेजर ही ले लेता हूँ 70 MPa, ठीक। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा टू, ठीक, मेरे पास फॉर्मूला है, सिग्मा टू का फॉर्मूला पता है मेरे को, है ना, सिग्मा टू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई बाई टू, माइनस आता है यहाँ पे, सिग्मा एच माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक। हाँ सिग्मा एच पता है, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई नहीं पता मेरे को, है ना, ठीक, टाउ एक्स वाई नहीं पता है, क्वेश्चन हो गया। सिग्मा वन देखता हूँ मैं क्या है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक, ये टू है ना। अब क्या करूँगा मैं, मेरे को क्या चाहिए, टाउ एक्स वाई चाहिए मेरे को, सिग्मा टू और सॉरी सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या एक अननोन सिग्मा टू है और एक अननोन टाउ एक्स वाई, तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई टू 40, थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ मैं, माइनस, ठीक, 50 माइनस 30 क्या हो गया, 50 माइनस 30 20 बाई टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 100 प्लस टाउ एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे टाउ एक्स वाई क्या है नहीं पता है ना, ये निकालना है मेरे को, स्क्वायर है, सिग्मा वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वन पता है मेरे को, सॉरी है, सिग्मा वन पता है मेरे, यहाँ टाउ एक्स वाई निकलेगा, सिग्मा वन क्या पता है मेरे को, 70 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस अंडर रूट 50 माइनस 30 20 डिवाइडेड बाई टू 10 20 डिवाइडेड बाई टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक, 70 माइनस 40 दैट इज 30 इक्वल टू 30 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक। इसमें स्क्वायरिंग करूँगा अगर दोनों साइड को, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 900 इज इक्वल्स टू 100 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक, 900 माइनस 100 दैट इज 800 इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, थोड़ा सा गलती हो गई कहीं पे, ऐसा लग रहा है मेरी गलती हो गई कहीं पे, वहाँ पे गलती हुआ, 70 माइनस 40 दैट इज 30 का स्क्वायर 900 और ये हो जाएगा 900 माइनस 100 नहीं हुआ है, सॉरी, टाउ एक्स वाई इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा, 400 इंटू 2 दैट इज 20 रूट 2 आएगा ये, ठीक, टाउ एक्स वाई इतना आया, इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा टू यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, 40 माइनस 100 प्लस कितना है
ट्वेंटी रूट टू इसका स्क्वायर, ठीक, 40 माइनस दिस इज 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 था, ये टाउ एक्स वाई क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, अगर टाउ एक्स वाई 800 है तो दिस इज 800, दिस इज सिग्मा टू इक्वल टू, सिग्मा टू इक्वल टू 40 माइनस 800 प्लस 100 900, 40 माइनस 900 अंडर रूट ऑफ 900 30 इज इक्वल टू 40 माइनस 30 दैट इज 10, सिग्मा टू इक्वल टू 10 एमपीए, ठीक। अब मैं इतना तामझाम क्यों किया है ना, इतना तामझाम क्यों किया, मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता है ना, मेरे को एक कॉन्सेप्ट क्या पता है, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता था, सिग्मा टू का आंसर जो है वो 10 मेगा पास्कल होगा करके मैं डायरेक्ट बता सकता था। कैसे, एक कॉन्सेप्ट पता है मेरे को, क्या स्ट्रेस इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट पता है मेरे को, है ना, क्या होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक। मेरे क्या निकालना, सिग्मा वन क्या दिया है यहाँ पे 70 एमपीए प्लस सिग्मा टू कैलकुलेट करना है मेरे को, सिग्मा एक्स दिया है 50 और ये दे दिया गया है 30, यहाँ सिग्मा टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 दे, ये हो जाएगा 80 और ये 70 उस साइड आएगा तो माइनस 70 और ये हो गया 10 एमपीए। देखो मेरे कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कितना इजिली सॉल्व होगा ना, ठीक, नहीं तो फिर मैं क्या करता, जो फॉर्मूला में पुट किया फिर निकालते रहते 3-4 मिनट लग जाता है, पहले तो टाउ एक्स वाई निकालता, उसके बाद थोड़ा गलती मत हो करके मैं थोड़ा स्लो बनाता टाउ एक्स वाई निकालता, फिर उसके बाद सिग्मा टू कैलकुलेट करता तब जाके, है ना, और इसमें क्या हुआ मेरे कॉन्सेप्ट पता था, है ना, स्ट्रेस इनवेरिएंट का, ठीक, तो उसका अप्लाई किया मैं, सिग्मा टू इजिली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं टाउ मैक्सिमम बताओ बोलता तो सॉरी टाउ हाँ क्या निकाल सकते हैं, और इसी क्वेश्चन में सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स 20√2 आया था, टाउ मैक्सिमम बताओ बोलता तो हाँ टाउ मैक्सिमम बोल बताओ बोल देते, सिग्मा टू बताओ मत नहीं बोलता है ना, तो मेरे को टाउ मैक्सिमम बोलता तो क्या करना पड़ता मेरे को, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होता है, ठीक। अब सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, अब मैं इसको तो यूज नहीं कर सकता, ये सिग्मा वन है ये सिग्मा टू है करके, अगर ये इक्वल रहता दोनों तब फिर सिग्मा टू की 30 आता, लेकिन इसको यूज नहीं कर सकता, मेरे पास सिग्मा वन है, अब इस केस में मैं क्या करूँगा सिग्मा टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा टू कैलकुलेट करने के लिए पहले टाउ एक्स वाई पे जाऊँगा फिर सिग्मा टू कैलकुलेट करूँगा, है ना, कितना लंबा बनेगा मतलब 3-4 मिनट लग जाएगा कैलकुलेट करते हुए, है ना, 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा, उसके बाद फिर मैं टाउ मैक्सिमम की वैल्यू बताऊँगा या फिर ये क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही एड करूँगा, ठीक। देखो ऐसे ही ऐड करूंगा 30 प्लस 50 80 हो रहा है, ये 70 है, 80 माइनस 70 क्या 10 पता चल गया मेरे को, सिग्मा टू पता चल गया 10, तो ये कितना है 70 है माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 किया ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 2 ये 30 आ गया 30 एमपी। देखो कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है ना क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक। अब यहीं पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूं, इसके अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है ना, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893827420, ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन है तो सब आप पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक। तो फिर यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, ओके।